सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? तो इन अ लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलीजेंस। बेसिकली अपन ने दो चीजें डिस्कस की थी भाई लास्ट क्लास में, जिसमें पहला था प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलीजेंस, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलीजेंस इज डिसाइडेड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज प्री डिलीजेंस, देन डिलीजेंस एज वेल एज लास्ट वन इज पोस्ट डिलीजेंस, है ना। आफ्टर दिस हम लोगों ने किया था टाइप्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस। तो टाइप्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस का हम लोगों ने सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस से रिलेटेड हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था हमारे पिछले लेक्चर के अंदर। इस क्लास के अंदर इन डेप्थ हम लोग चेक करेंगे ऑल द टाइप्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, चैप्टर नंबर 19 एज वेल एज चैप्टर नंबर 20 दे बोथ आर इंटर रिलेटेड और दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। तो जो टाइप्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस का तुम लोग यहाँ पे ओवरव्यू पढ़ रहे हो ना, इसको इन डेप्थ आप पढ़ोगे इन योर चैप्टर नंबर 20। ठीक है, इसको इन डेप्थ पढ़ोगे इन योर चैप्टर नंबर 20। तो जब चैप्टर नंबर 20 में फिर से चीज़ें रिपीट होंगी तो हम लोग वहाँ पे इतना समय नहीं देंगे। ये क्लियर है? ऑल दो मैंने एक ओवरव्यू तुमको दे दिया था भाई पिछले क्लास के अंदर। देखिए, सबसे पहले आ जाओगे टाइप्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस में, सबसे पहले ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, तो ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस के बारे में मैंने आपको कहा था, ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस के बारे में मैंने आपको कहा था दैट अंडर दिस ओवरऑल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, है ना, अंडर दिस ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द टारगेट कंपनी इज बीइंग चेक्ड। ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ टारगेट कंपनी इज बीइंग चेक्ड लिखा है। ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस एम्स एट द असेसमेंट ऑफ फंक्शनल ऑपरेशंस ऑफ द टारगेट कंपनी, कनेक्टिविटी बिटवीन देयर बिजनेस प्रोसेसेस और बिटवीन देयर बिजनेस ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन ऑपरेशनल प्रोसेसेस, फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी एटसेट्रा। इट ऑल्सो अनकवर्स द एस्पेक्ट्स ऑन ऑपरेशनल वीकनेसेस एज वेल एज इनएडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म्स, इनएडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पे जो कंट्रोल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स की, इंटरनल कंट्रोल्स की। अब बच्चा पूछता है कि सर इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, इंटरनल कंट्रोल का मतलब है एनी सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, एनी सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स, एनी सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड विद इन अ कंपनी, एनी सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड विद इन अ कंपनी विच हेल्प्स अ कंपनी, विच हेल्प्स अ कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, विच हेल्प्स अ कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एफिशियंटली। Any set of rules and procedures established within a company, which helps a company to achieve its objectives efficiently. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है ना, internal control क्या? तो internal control है भाई वो set of rules, वो set of procedures जो एक company ने बनाए business को run करने के लिए, business को efficiently operate करने के लिए। अब इंटरनल कंट्रोल के रिस्पेक्ट में ना दो टर्मिनोलॉजी यूज में आती है। पहला है सेटिंग अप ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पहला है इंटरनल कंट्रोल बनाना, है ना, इंटरनल कंट्रोल बनाना। इंटरनल कंट्रोल बनाने का मतलब वो सेट ऑफ रूल्स, वो सेट ऑफ पॉलिसीज या वो सेट ऑफ प्रोसीजर्स बनाना, और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एक तो होता है रूल्स बनाना, दूसरा होता है रूल्स को फॉलो करना या रूल्स पे चलना, ठीक है।
सिर्फ रूल्स बनाने से काम नहीं चलता, ठीक है, उसको आपको ड्यूली क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा। तो कंपनी, सुनना ध्यान से, कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस, कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस या बिजनेस प्रोसेसेस से रिलेटेड रूल्स या प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश कर सकती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस या बिजनेस प्रोसेसेस से रिलेटेड रूल्स या प्रोसीजर्स बना सकती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स बनाया, प्रोसीजर्स बनाया, प्लस कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा, कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा दैट सच रूल्स, कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा दैट सच रूल्स और प्रोसीजर्स आर बीइंग ड्यूली कैरिड आउट, आर बीइंग ड्यूली कैरिड आउट इन ऑर्डर टू इंश्योर, आर बीइंग ड्यूली कैरिड आउट इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि रूल्स तो बनाए लेकिन रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है, रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इट विल हैम्पर दी बिजनेस ऑपरेशंस, इट विल हैम्पर दी बिजनेस ऑपरेशंस, कंपनी विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स, कंपनी विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स। यस और नो? यस और नो? तो भाई इन्हीं सब चीज़ों का एनालिसिस, इन्हीं सभी चीज़ों का एनालिसिस अपन करते हैं किसके ऊपर, किसके अंडर, ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस के अंदर, कि कंपनी कितना इफेक्टिव तरीके से अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रही है, अपने बिजनेस प्रोसेसेस को कैरी आउट कर रही है, कंपनी के जो बिजनेस प्रोसेसेस है वो किस एक्सटेंट तक, किस हद तक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस में किसी भी प्रकार का कोई ब्रेकडाउन तो नहीं आ रहा है, और अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो किन रीजंस की वजह से आ रहा है, क्या उन रीजंस को रेक्टिफाई करने का कोशिश कंपनी कर रही है, बस समझ में आ रहा है क्या, वेदर कंपनी के अंदर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, और क्या वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक से कंप्लाई किया जा रहा है, ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को चेक किया जाएगा, इन्हीं सब चीज़ों को चेक किया जाएगा इन द ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस, इन द ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग ऑपरेशनल मैटर्स सच एज वेरियस फैसिलिटीज, कंपनी का ऑफिस लेआउट, सिटिंग कैपेसिटी एटसेट्रा। द आइडिया ऑफ डूइंग दिस डिलीजेंस इज टू वेरीफाई the various facilities which are owned by the target company and whether all costs are captured in the financials or not. It also gives a better picture of the kind of cost the buyer is going to incur in case they plan to go for expansion. Further, in operational due diligence, the detail index of the fixed assets and its location, age of the assets, age of the assets ka matlab wo assets kitna purana hai, including all the lease agreements relating to various equipments, schedules of sales and purchases of major capital equipments during previous years, last 3 years, real estate deeds, mortgages, title policies and other permits also needs to be verified, also needs to be verified in operational due diligence. Is it clear? Is it clear? उसके बाद है स्ट्रैटेजिक ड्यू डिलीजेंस। तो स्ट्रैटेजिक ड्यू डिलीजेंस के लिए मैंने बताया था कि कंपनी क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करती है फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस ऑपरेशंस। एक कंपनी क्या क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करती है फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस ऑपरेशंस। लिखा है स्ट्रैटेजिक ड्यू डिलीजेंस टेस्ट द स्ट्रैटेजिक रैशनली। स्ट्रैटेजिक रैशनली का मतलब, अच्छा तुम देखो ये टर्म तुमको क्लियर होना चाहिए। अब फाइनल में अगर तुमको पढ़ना है ड्यू डिलीजेंस जैसा पेपर, जो फाइनल के सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो एटलीस्ट ये टर्म तो तुमको क्लियर होना चाहिए, स्ट्रैटेजी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्ट्रैटेजी? सोच के देखो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है अ लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? तो भाई स्ट्रैटेजी का मतलब है अ लॉजिकल वे ऑफ थिंकिंग, किसी भी चीज को लॉजिकली सोचना,
ठीक है, स्ट्रेटजी का क्या मतलब है, किसी भी चीज को लॉजिकली सोचना। तो देखोगे स्ट्रेटजिक ड्यू डिलीजेंस में क्या चेक करेंगे अपन, स्ट्रेटजिक ड्यू डिलीजेंस में अपन चेक करेंगे कंपनी का टारगेट, कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, टारगेट कंपनी का बिजनेस स्ट्रेटजी, टारगेट कंपनी ने ना बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो यहाँ पे अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि भाई वो इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या पर्पस रहा होगा, क्या रैशनल रहा होगा। टारगेट कंपनी ना एक स्ट्रिक्ट एचआर पॉलिसी फॉलो करता है, ठीक है, टारगेट कंपनी ना कहीं पे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, टारगेट कंपनी ना बहुत एग्रेसिवली काम करता है, ठीक है, टारगेट कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली काम करता है। तो जो उनका पैटर्न ऑफ वर्किंग है, ठीक है, पैटर्न ऑफ वर्किंग जो होगा वो टोटली डिपेंडेंट होगा, उनका जो पैटर्न ऑफ वर्किंग हुआ टारगेट कंपनी का वो टोटली डिपेंडेंट होगा ऑन द स्ट्रेटजी विच दे आर फॉलोइंग, ठीक है, ऑन द स्ट्रेटजी विच दे आर फॉलोइंग फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस ऑपरेशन, फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस ऑपरेशन। तो स्ट्रेटजिक ड्यू डिलीजेंस में क्या करते हैं अपन, स्ट्रेटजिक ड्यू डिलीजेंस में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दी रैशनल, ठीक है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दी रीजंस ऑफ वेरियस बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दी रैशनल और रीजंस अबाउट वेरियस बिजनेस डिसीजंस विच इज अंडरटेकन बाई दी टारगेट कंपनी और विच इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाई दी टारगेट कंपनी, सो एज टू डिसाइड, सो एज टू डिसाइड कि भाई टारगेट कंपनी के साथ अगर हम ट्रांजेक्शन में एंटर किए, टारगेट कंपनी के साथ अगर हम लोगों ने बिजनेस साथ में करने का सोचा, तो क्या वो कंपनी जो सोचती है और जो हमारा आउटलुक है, वो कंपनी का जो आउटलुक है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर और जो हमारा आउटलुक है रिलेटेड टू देम सेम सब्जेक्ट मैटर, क्या वो सेम है या नहीं है। क्योंकि अगर आउटलुक अलग अलग होगा ओपिनियन डिफर करेगा, और जब ओपिनियन डिफर करेगा तो कंपैटिबिलिटी कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, एंड इफ कंपैटिबिलिटी कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड एंड इट वुड बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू वर्क टुगेदर, इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू वर्क टुगेदर। स्ट्रेटेजिक ड्यू डिलीजेंस, देखो स्ट्रेटेजिक ड्यू डिलीजेंस टेस्ट द स्ट्रेटेजिक रैशनल बिहाइंड प्रपोज ट्रांजेक्शन एंड एनालाइसिस एनालाइसिस वेदर द डील इज कमर्शियली वाइबल, वेदर द टारगेट वैल्यू विल बी रियलाइज, इट कंसिडर द फैक्टर सच एज वैल्यू क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज, कॉम्पिटेटिव पोजिशन एंड क्रिटिकल केपेबिलिटीज। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला गया कि हम चेक कर रहे हैं सामने वाले कंपनी के साथ हमारा कंपैटिबिलिटी बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा, कंपैटिबिलिटी बैठेगा देन ओनली जो प्रपोज्ड प्रपोज्ड जो ऑब्जेक्टिव्स है या मोटिव्स है उस कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन में एंटर करने का, दैट कुड बी अचीव, अदरवाइज इट विल बी अ टोटल फेलियर, इट विल बी अ टोटल फेलियर। इज इट क्लियर, हम उसके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्यों करें, वो ट्रांजेक्शन करने से हमको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले, तो इन सब चीज़ों का भी एनालिसिस अपन करते हैं। लेकिन वो एनालिसिस कब कर पाएंगे, जब अपन ये इंश्योर कर पाए कि जो सामने वाले कंपनी का काम करने का जो पैटर्न है वो हमारे काम करने के पैटर्न से मैच होता है या नहीं होता है। इज इट क्लियर, उसके बाद है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस एज इट सीक्स टू चेक वेदर द फाइनेंशियल शोकेस्ड या फाइनेंशियल प्रेजेंटेड इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज करेक्ट और नॉट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंपनीज फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग बट इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, रिसेंट अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद कंपेरेबल स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट ईयर, रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, रिव्यू ऑफ इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर, क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग एंड कैश फ्लो कंडीशन एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स, पोटेंशियल लाइबिलिटीज जो कंपनी के ऊपर आ सकता है, टारगेट कंपनी के ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन सॉरी टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ द डील स्ट्रक्चर, अगर उनके साथ ट्रांजेक्शन में एंटर किया तो इसका क्या टैक्स इम्प्लीकेशन पड़ सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, देन टारगेट कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा। तो मैं बोलूँ फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में क्या करें, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में हम लोग ऑल ओवर पर्सपेक्टिव चेक करें रिलेटेड टू द फाइनेंसेस ऑफ द टारगेट कंपनी। ठीक है, ऑल ओवर पर्सपेक्टिव अपन चेक करें, ऑल ओवर पर्सपेक्टिव अपन चेक करें रिलेटेड टू द फाइनेंसेस ऑफ द टारगेट कंपनी, कि भाई टारगेट कंपनी
कि पिछले साल के क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स रहे हैं, ठीक है, कंपनी ने लॉसेस इनकर किया तो क्यों किया, क्या रीजंस था, उन रीजंस को ओवरकम करने के लिए कंपनी ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, कंपनी ने जो प्रॉफिटेबिलिटी बताया पिछले सालों में, क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी सही है, क्या कंपनी ने सभी एक्सपेंसेस को ड्यूली इंक्लूड किया था व्हाइल शोइंग दैट पर्टिकुलर प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कंपनी जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है वो बराबर है, क्या कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम भी बोल सकते हैं। देखो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इन जनरल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब हो गया सेट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कंपनी के अंदर बनाए गए टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब एक और टर्म आता है इसी में से, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, बहुत सिंपल है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम का मतलब हो गया वो सेट ऑफ पॉलिसीज जो बनाए गए हैं, वो सेट ऑफ पॉलिसीज या रूल्स या प्रोसीजर्स जो बनाए गए हैं एंड विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी फाइनेंसेस, विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी फाइनेंसेस ऑफ द टारगेट कंपनी। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर हम लोग ये भी चेक करेंगे कि टारगेट कंपनी के ऊपर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो नहीं आने वाला है, मान लो कि उसके अगेंस्ट कोई केस पेंडिंग चल रहा है कोर्ट के अंदर, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कंपनी वो केस हार जाए, तो आज तो उसके फाइनेंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो कल कोई केस हार गया तो इट कैन ब्रिंग और इट विल ब्रिंग ह्यूज फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन द टारगेट कंपनी। तो भाई उसके साथ अगर हमने ट्रांजेक्शन किया तो उसका जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो हमारे ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है। फिर अपन चेक करेंगे कि भाई टारगेट कंपनी के साथ जो ट्रांजेक्शन में एंटर करने जा रहे हैं इसके ऊपर जो टैक्स का इम्प्लीकेशन है वो किस हद तक पड़ेगा, कितना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों का ओवरऑल एनालिसिस अपन करते हैं इन दी फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। और मैं तुमको एक और चीज़ बता दूँ, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस इज अ मच मच वाइडर टर्म देन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है, फाइनेंशियल ऑडिट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल ऑडिट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, बट फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस विल इंक्लूड फाइनेंशियल ऑडिट इन इट। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस विल इंक्लूड दी फाइनेंशियल ऑडिट इन इट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस ऑल्सो रिव्यूज द कंपनीज प्रोजेक्शंस एंड द बेसिस ऑफ देयर प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन मतलब फॉरकास्टिंग, कि भाई आज इतना प्रॉफिट कमा रहे, आज से 5 साल के बाद हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इतना हो जाएगा, मार्केट ग्रोथ इतना हो जाएगा, 10 साल के बाद हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इतना हो जाएगा, तो एक प्रोजेक्शन देती है ना टारगेट कंपनी। तो जो पहले चेक करोगे भाई क्या प्रोजेक्शन दे रही है, फिर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बेसिस है प्रोजेक्शन का, जो बेसिस है फॉरकास्टिंग का, वो बराबर है या नहीं है। क्योंकि अगर फॉरकास्टिंग का बेसिस ही बराबर नहीं है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट दी फॉरकास्टिंग विल गो रॉन्ग। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान, शेड्यूल ऑफ इन्वेंट्री, डेटाज इन क्रेटर्स एटसेट्रा। ऑल्सो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ मेजर टॉप कस्टमर अकाउंट्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट एनालिसिस, एनालिसिस ऑन ग्रॉस मार्जिन दैट द कंपनी इज गेटिंग ऑन सेलिंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, कस्टमर्स विथ हाई प्रॉफिट मार्जिन एंड देयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स एटसेट्रा। इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व द टाइप ऑफ कंपनीज ऑर्डर बुक एंड सेल्स पाइपलाइन टू बेटर बिल्ड प्रोजेक्शंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड टू बोथ कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल बायर्स बाय एनालाइजिंग एंड वैलिडेटिंग ऑल द फाइनेंशियल, कॉमर्शियल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस बीइंग मेड। द फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस कैन फर्दर एक्सटेंडेड टू टैक्स ड्यू डिलीजेंस, या ऐसा भी बोल सकते हो। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बोला कि फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में फाइनेंशियल ऑडिट इंक्लूड हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में टैक्स ड्यू डिलीजेंस भी इंक्लूड हो सकता है। टैक्स ड्यू डिलीजेंस कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, क्योंकि हमको जो टैक्स का इम्प्लीकेशन है ना वो भी चेक करना पड़ेगा किसी के अंदर, किसके अंदर प्रपोज्ड टैक्स इम्प्लीकेशन भी अपन को चेक करना पड़ेगा किसके ऊपर, किसके अंदर, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस के अंदर। द फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस कैन फर्दर एक्सटेंडेड टू टैक्स ड्यू डिलीजेंस विच कवर्स द डिलीजेंस ऑन वेरियस टैक्सेस द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे एंड विच इंश्योर दैट प्रॉपर कैलकुलेशन विद नो इंटेंशन ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ टैक्सेस। स्टैट्यूट्स ऑफ एनी टैक्स रिलेटेड केसेज रनिंग विद द टैक्स अथॉरिटीज। द टैक्स ड्यू डिलीजेंस कंप्राइजेज एन एनालिसिस ऑफ टैक्स कंप्लाइंसेज, टैक्स कंटिजेंसीज एंड एग्रेसिव पोजिशंस, ट्रांसफर प्राइजिंग से रिलेटेड मैटर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस रिस्क एरिया रिलेटेड टू दी टैक्सेशन मैटर्स,
टैक्स प्लानिंग एंड अपॉर्चुनिटीज, इज इट क्लियर? देखो एक चीज ध्यान रखना है, आगे बढ़ने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। अपने ना सिलेबस में, पूरे के पूरे सिलेबस में तीन सब्जेक्ट्स है ऐसे, एक तो हो गया आरसीडी, एक हो गया एथिक्स और एक हो गया ड्यू डिलीजेंस, ठीक है? अब इन तीनों सब्जेक्ट्स में अपन को कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर्स जो पूरा कंसेप्चुअल है, जो 100% कंसेप्चुअल है, आपको कंसेप्ट पढ़ना है, आपको लॉजिक्स पढ़ना है, ठीक है? और कुछ ऐसा है जो भाई रट्टाफिकेशन पे बेस्ड है, ठीक है? जैसे अब तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बताओ फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, तो यू वोंट बी एबल टू राइट डाउन द एग्जैक्ट आंसर, है ना? यू वोंट बी एबल टू राइट डाउन द एग्जैक्ट आंसर एज गिवन इन योर मॉड्यूल। तो आप वहां पे आंसर क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे वहां पे आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव रिलेटेड टू फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। नेक्स्ट चैप्टर में ना हम लोग वापस इन्हीं चीजों को पढ़ना है, इन डेप्थ में पढ़ना है। तो वहां पे अपन लोग पढ़ते हैं कि भाई फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करें, कंसिडर करें, ऑपरेशनल ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करें, कंसिडर करें, स्ट्रेटेजिक ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करें, लीगल ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करें। तो इन जनरलिटी वहां पे 28 चैप्टर में ना स्कोप डिफाइंड है, लेकिन मैंने तुमको पिछले लेक्चर्स में बोला था कि ड्यू डिलीजेंस का जो स्कोप है वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है, वो हमेशा वैरी करेगा फ्रॉम वन ड्यू वन फ्रॉम वन टाइप ऑफ ड्यू डिलीजेंस विद द अदर टाइप ऑफ ड्यू डिलीजेंस, दैट विल वैरी, स्कोप विल वैरी, है ना? स्कोप विल ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट यू हैव। अगर आपके पास, अगर इफ यू हैव एनी इफ यू हैव हायर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन विद विद एनी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, विद एनी प्रपोज ट्रांजेक्शन, तो स्कोप ऑफ ड्यू डिलीजेंस विल बी मच वाइडर। लेकिन अगर लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन ही कम है विद एनी प्रपोज ट्रांजेक्शन, तो वहां पे स्कोप हमेशा क्या होगा, नैरोअर होगा। इज इट क्लियर? यहां पे अपन पढ़ रहे हैं कि भाई इन जनरल ये कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है, ऐसा ही होगा रियल लाइफ सिचुएशन में, नहीं भाई ये चीजों को कंसिडर करने, नहीं इन चीजों को कंसिडर करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी चीजों को कंसिडर करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने बोला कि भाई उनके पास ना 100 करोड़ के एसेट्स है, कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 100 करोड़ का एसेट्स नोट डाउन किया, तो हम कैसे मान लें कि उनका वैल्यूएशन 100 करोड़ ही है? तो हम क्या किए, हमने कंपनी के साइट पे विजिट किए, ऑन साइट विजिट किया, ऑन साइट असेसमेंट करने के लिए हम गए कंपनी के प्रमाइसिस पे, एक वैल्यूअर को बुलाया, वैल्यूअर को बुला करके हमने उसका वैल्यूएशन करवाया। जब वैल्यूएशन करवाया तो पता चलता है कि उसका एक्चुअल वैल्यू तो 25 करोड़ ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंपनी ने मैनिपुलेशन कर दिया। बस समझ में आ रहा है क्या? इट विल बी द केस ऑफ मैनिपुलेशन, ओवर स्टेटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। मेरे बात समझ में आ रही क्या? तो एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है ड्यू डिलीजेंस, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसका स्कोप कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता। जब एग्जैक्टली अपन नहीं बोल सकते कि ये ही करना है, ठीक है? इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन केस टू केस, इट विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व, या वॉल्यूम ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व, या लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्व विद एनी प्रपोज्ड ट्रांजेक्शन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये स्टेप्स नहीं पढ़ोगे, आ जाओगे टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस में। टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस में, तो टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस में देखना दो एस्पेक्ट कंसिडर होते हैं, टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस में दो एस्पेक्ट को कवर करेंगे। पहला लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विद विच टारगेट एंटिटी इज ऑपरेटिंग, ठीक है? लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी विद विच टारगेट एंटिटी इज ऑपरेटिंग, ये पहला। एंड दूसरा हो गया IPR, मतलब
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. दूसरा क्या हो गया, आईपीआर स्टैंड्स फॉर, दैट स्टैंड्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो यहां पे अपन देखेंगे टारगेट कंपनी क्या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस ऑपरेशन. मान लो कि इफ दे आर स्टिल वर्किंग विथ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इफ द टारगेट एंटिटी इज स्टिल वर्किंग विथ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, भाई वो तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम तो एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं उनके साथ मर्जर करना. पर कल को अगर मर्जर हो गया तो उनके एम्प्लॉयज को एडवांस टेक्नोलॉजी तो यूज करना ही नहीं आता, तो इसमें काफी समय चला जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, तो उनके साथ मर्जर करना पॉसिबल नहीं है. इज इट क्लियर? एम्प्लॉयज के अंदर रिजिडिटी है, टारगेट कंपनी के एम्प्लॉयज के अंदर रिजिडिटी है, वो नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना ही नहीं चाहते. तो भाई कल को हमने उसके साथ मर्जर कर लिया या अमलगमेशन कर लिया तो क्या करना पड़ेगा, उन कंपनीज के टारगेट कंपनी के एम्प्लॉयज को शिफ्ट होना पड़ेगा ना अपडेटेड टेक्नोलॉजी पे, लेकिन वो तो रिजिड है, वो तो शिफ्ट होना ही नहीं चाहते सर. तो इन दैट केस ऑल्सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द कंपैटिबिलिटी. इन दैट केस ऑल्सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज. तो भाई जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा वो फुलफिल नहीं होगा, फेल हो जाएगा. दूसरा अपन चेक करते हैं, भाई कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बता रखा है कि इनके नाम पे इतने पेटेंट्स हैं, इतने कॉपीराइट्स हैं, इतने ट्रेडमार्क्स हैं, इतना गुडविल का वैल्यूएशन बता रखा है. तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि भाई जिनके ऊपर ओनरशिप राइट्स, जिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिन भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टारगेट एंटिटी ओनरशिप राइट्स क्लेम कर रहा है, वेदर दे रियली एग्जिस्ट और नॉट, और वेदर इन केस इफ दे एग्जिस्ट वेदर द टारगेट एंटिटी इज द रियल ओनर ऑफ सच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और नॉट. तो ये एस्पेक्ट अपन चेक करते हैं इसके अंदर. तो टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस में दो चीज़ों को मेजरली अपन कंसिडर करते हैं, पहला लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विद विच द टारगेट कंपनी इज ऑपरेटिंग, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. देखो लिखा है, The company which owns intellectual property uses the IPs, intellectual properties, to monetize or to grow their business, to make their business more profitable. The IPs are something that differentiate their product and services from their competitors. However, the concept of valuation of intangible assets related to intellectual property like patent, copyright, design, trademark, brands, etc. are getting greater importance as these intellectual properties of the business are now often being sold and purchased in the market by itself. Like any other tangible assets, many Indian companies and corporate entities do not give much importance to the portfolio management of their intellectual property rights. The main objective of intellectual property due diligence is to ascertain the nature and scope of target company right. मतलब determine करना कि target company जिन-जिन intellectual property के rights में ऐसा show कर रही है that we are the owner of such intellectual properties, whether The ownership really exist or not. बस ये चेक करना है, बस ये इंश्योर करना है किसके अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्यू डिलीजेंस के अंदर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ड्यू डिलीजेंस. तो यहाँ पे अपन क्या चेक करेंगे कि वेदर द मैनेजमेंट ऑफ टारगेट कंपनी, वेदर द एम्प्लॉयज ऑफ टारगेट कंपनी इज कंपैटिबल विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वेदर दे आर स्टिल वर्किंग विद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. इज इट क्लियर? सिंपल है. इसके बाद आगे भाई इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस. तो ये भी मैंने तुमको बताया था, इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस में तुम क्या चेक करोगे. देखो एक कंपनी के ऊपर आज के टाइम पे काफी सारे इन्वायरमेंटल लॉज एप्लीकेबल है एंड काफी सारे रेगुलेशंस एप्लीकेबल है. ठीक है, लॉज भी एप्लीकेबल है, लॉ के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल है, प्लस रेगुलेशंस भी एप्लीकेबल है. तो यहां पे अपन चेक करेंगे कि कोई भी कंपनी अपना बिजनेस कैरी आउट कर रही है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल लॉज. कोई भी कंपनी अपना बिजनेस कैरी आउट कर रही है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल एनवायरमेंटल लॉज ऑन देम और नॉट. बिकॉज अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस कैरी आउट करने के लिए एनवायरमेंटल लॉज के प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट करती है,
अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए इन्वायरमेंटल लॉज के प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो वो कंपनी, दैट पर्टिकुलर कंपनी मे फेस क्रिटिसिज्म, मे फेस ऑपोजिशन. पहला ऑपोजिशन जो फेस करेगी कंपनी वो है फ्रॉम द सोसाइटी एट लार्ज, फ्रॉम द जनरल पब्लिक एट लार्ज. दूसरा, देर कुड बी इंटरवेंशन ऑफ डिफरेंट स्टैचुअटरी अथॉरिटीज इन टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी, विच मे लीड टू टेम्पररी, विच मे इवन लीड टू टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी. और इन सर्टेन केसेज अगर डिफॉल्ट बहुत बड़ा है, अगर नॉन कंप्लाइंसेज का इम्पैक्ट बहुत हैवी है, तो इट मे ऑल्सो बिकम द रीजन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. तो भाई एक कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए, एक एंटिटी को बिजनेस चलाने के लिए जो जो भी इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस फॉलो करना रहता है, क्या वो सभी गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये अपन चेक करते हैं किसके अंडर, अंडर द इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस. हम ये सभी चीज़ों को चेक करते हैं अंडर इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखो, इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस एनालाइजेस इन्वायरमेंटल रिस्क. अब इन्वायरमेंटल रिस्क का मतलब, जब तुम इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो नहीं करते हो एंड लाइबिलिटीज एसोसिएटेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इन्वेस्टिगेशन इज यूजुअली अंडरटेकन बिफोर अ मर्जर एक्विजिशन मैनेजमेंट बाय आउट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एटसेट्रा. इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस प्रोवाइड्स द अक्वायरर विद अ डिटेल असेसमेंट ऑफ द हिस्टोरिक, करेंट एंड पोटेंशियल फ्यूचर इन्वायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड विद द टारगेट ऑर्गेनाइजेशन साइट्स एंड बिजनेस ऑपरेशन. भाई आज जहाँ पे उनका बिजनेस साइट है ना, जहाँ पे उनका फैक्ट्री है ना, आज वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग वहाँ पे बस रहे हैं, मतलब पीपल हैव स्टार्टेड रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. इन फ्यूचर देर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, आप समझो कि जहां पे एक कंपनी है ए लिमिटेड, जिसका मैं इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस कर रहा हूँ, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई आज जहां पे ए लिमिटेड का प्रमाइसिस है ना, वहां पे सिर्फ 10 घर बने, लेकिन आने वाले 5 साल में, 10 साल में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 10,000 घर बन जाए और 1 लाख लोग रहने लग जाए. तो जब 1 लाख लोग यहाँ पे रहने लग जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन, इट मे बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर ए लिमिटेड टू कंटिन्यू विद देयर बिजनेस ऑपरेशंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया. दे मे फेस डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑपरेशंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया. यस और नो? यस सर. तो बेटा ये तो रिस्क है, ये तो एनवायरमेंटल रिस्क है. फिर अरे वो कंपनी जो बिजनेस कैरी आउट करती है ना, जो बिजनेस प्रोसेसेस फॉलो करती है ना, वो बिजनेस प्रोसेसेस की वजह से इन्वायरमेंटल डैमेजेस हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे. तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि इसके लिए भी कंपनी को क्रिटिसिज्म मिले, कंपनी का पब्लिक इमेज खराब हो. आज कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में ऐसा हो सकता है. इट मे फेस अपोजिशन या बॉयकॉट, इवन बॉयकॉट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एट लार्ज. इज इट क्लियर? इट इन्वॉल्व्स रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ इन्वायरमेंटल सेटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ दी साइट, असेसमेंट ऑफ दी साइट कंडीशन. साइट का मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो, प्रमाइसेस, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ साइट्स, एंड कंफर्मिंग लीगल कंप्लाइंसेज एंड पॉल्यूशन चेक्स फ्रॉम द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्सेट्रा. अगर तुम लोगों ने मालूम हो, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत काम की बात. देखिए अपने साथ दिक्कत ये है कि अपन को सब्जेक्ट जो क्या पढ़ाया जा रहा है भाई, अपन को सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ड्यू डिलीजेंस. सुनना, अगर मुझे किसी भी चीज का ड्यू डिलीजेंस करना है, मान लो कि भाई मैं पढ़ाने के लिए ये माइक यूज कर रहा हूं, और मैं कुछ चाहता हूं कि भाई मैं इस माइक का ड्यू डिलीजेंस करूं, तो इस माइक का ड्यू डिलीजेंस करने के लिए ना, मुझे इस माइक के बारे में सारे इंफॉर्मेशन होना चाहिए. इस माइक का ड्यू डिलीजेंस करने के लिए मेरे पास इस माइक के बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है. अब भाई जब मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हाउ इट वुड बी पॉसिबल टू डू डू ड्यू डिलीजेंस. इन द सेम मैनर, अभी तुमको बोला कि भाई इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस के बारे में पढ़ने के लिए एटलीस्ट तुमको इन्वायरमेंटल लॉज पता होना चाहिए, ठीक है. दो चीजें तुमको पता होना चाहिए बच्चों को, इन्वायरमेंटल लॉज ठीक है, इन्वायरमेंटल लॉज
और एक बहुत फेवरेट एक्ट पुराने सिलेबस में हुआ करता था, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं न्यू सिलेबस जब डाला क्यों हटा दिया उसको, नाम था IDRA, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, बट इट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ICSI सिलेबस, इट वॉज देयर इन द ओल्ड सिलेबस, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल लॉज भी ओल्ड सिलेबस में बहुत डिटेल में था, नए सिलेबस में आपको बहुत छोटा सा पोर्शन दिया है सेटिंग अप में, ये ड्रॉबैक है अपने सिलेबस का। भाई इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस मैं तभी कर पाऊंगा, मैं कंप्लाइंसेस तभी चेक कर पाऊंगा जब मुझे इन्वायरमेंटल लॉज पता होंगे। अब मुझे इन्वायरमेंटल लॉज ही नहीं पता, हाउ इट वुड बी पॉसिबल टू डू इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस, बस समझ में आ रहा है क्या? तो मेजरली तो अपन यही चेक करते हैं कि क्या इन्वायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस में क्या एक कंपनी अपना बिजनेस कैरी आउट कर रही है इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल इन्वायरमेंटल लॉज ऑन देम और नॉट, क्या वो सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, क्या वो सभी रेगुलेशन सभी मेजर्स को फॉलो कर रही है बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो इट मे ब्रिंग पेनल्टी अगेंस्ट दी कंपनी, कंपनी कुड बी पेनलाइज फॉर द सेम। समझ में आ रहे हैं? नेक्स्ट है, नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्सेज ड्यू डिलीजेंस। अब ह्यूमन रिसोर्सेज ड्यू डिलीजेंस में क्या चेक करेंगे अपन, ध्यान दे रहा, अपन चेक करेंगे क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट द टारगेट कंपनी हैव, देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, टारगेट कंपनी का पॉलिसी टूवर्ड्स देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, देयर लेवल ऑफ मोटिवेशन, देयर कल्चरल बैकग्राउंड। पर टारगेट कंपनी के साथ हम मर्जर करने के लिए जा रहे हैं, मान लो दो कंपनी मर्जर करने के लिए जा रही है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज ड्यू डिलीजेंस। एक कंपनी ए लिमिटेड, इसमें ना 99% जो एम्प्लॉयज हैं दे आर हिंदूज, ठीक है, ये कंपनी मर्ज होने के लिए जा रही है एक्स वाई जेड लिमिटेड के साथ, यहाँ पे जो 100% एम्प्लॉयज हैं दे आर मुस्लिम्स, दे आर मुस्लिम्स। तो बताओ क्या ऐसे सिचुएशन में इन दोनों कंपनी के बीच में, दोनों कंपनीज के एम्प्लॉयज के बीच में जो कल्चरल कंपैटिबिलिटी है, वेदर कल्चरल कंपैटिबिलिटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड, वेदर कल्चरल कंपैटिबिलिटी कुड बी एस्टेब्लिश्ड, आंसर इज नो, बहुत मुश्किल है साथ में काम करना। तो भाई जब कल्चरली दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ सकता है, अब हो सकता है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड का जो एम्प्लॉय हो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत एंथुजियास्टिक है, उनका मॉरल बहुत हाई है, लेकिन ए लिमिटेड के जो एम्प्लॉयज हैं वो काम चोर हैं, ठीक है, डिसऑनेस्ट हैं, दे हैव लैक ऑफ इंटीग्रिटी, दे आर नॉट एट ऑल हार्ड वर्किंग। तो वेदर इट वुड बी पॉसिबल टू कंबाइन द बिजनेस और टू एंटर इन टू एनी ट्रांजेक्शन विद एक्स वाई जेड लिमिटेड, नो इट वुड नॉट बी पॉसिबल, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द कंपैटिबिलिटी। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा वो ट्रांजेक्शन का फेल हो जाएगा, तो भाई इट विल बी सजेस्टेड और इट इज सजेस्टेड नॉट टू एंटर इन टू ट्रांजेक्शन विद सच कंपनी इफ कंपैटिबिलिटी बिटवीन द एम्प्लॉयज कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि एम्प्लॉयज का जो रोल है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट को तो क्या, उसको तो बस डिसीजन लेना है, ठीक है, उसको सिर्फ डिसीजन लेना है। अब उस डिसीजन को इम्प्लीमेंटेशन में लाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है, एम्प्लॉयज के ऊपर है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऊपर है। एंड अगर दोनों कंपनीज के एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली नहीं है, अगर दोनों कंपनीज के एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली नहीं है तो क्या होगा, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा ट्रांजेक्शन में एंटर करने का, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा ट्रांजेक्शन में एंटर करने का, दैट विल बी डिफीटेड, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरिंग इन टू द ट्रांजेक्शन विल बी डिफीटेड।
इज इट क्लियर? ठीक है, देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज ड्यू डिलीजेंस एम्स एट पीपल और रिलेटेड इश्यूज, की मैनेजर्स एंड स्केयर टैलेंट लीव अनएक्सपेक्टेडली, वैल्यूएबल ऑपरेटिंग सिनर्जीज गेट्स डिस्टर्ब व्हेन कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन कंपनीज आर नॉट अंडरस्टूड और इफ दे आर इग्नोर्ड, इट इज क्रूशियल टू कंसिडर कल्चरल एंड एम्प्लॉयज इश्यूज अप फ्रंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी वेंचर. ह्यूमन रिसोर्सेज ड्यू डिलीजेंस इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग करेंट पोजिशन, वेकेंसी ड्यू फॉर रिटायरमेंट एंड सर्विस नोटिंग सर्विंग नोटिस पीरियड, एनालिसिस ऑफ करेंट सैलरीज बोनसेस पेड ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ सर्विसेज, ऑल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विथ नॉन डिस्क्लोजर नॉन सॉलिसिटेशन सॉलिसिटेशन एंड नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट्स बिटवीन द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉयज, इन केस देर आर फ्यू इरेगुलरिटीज रिगार्डिंग द जनरल कॉन्ट्रैक्ट फोकस मस्ट बी गिवन एच आर पॉलिसीज रिगार्डिंग एनुअल लीव सिक लीव और अदर फॉर्म्स ऑफ लीव, एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉय प्रॉब्लम फॉर एलीग्ड रॉन्गफुल टर्मिनेशन और एनी केस ऑफ हरासमेंट डिस्क्रिमिनेशन और लीगल केस पेंडिंग अबाउट द सेम, इन सभी एरियाज को आप कंसिडर करोगे. इन केस देर आर एनी लेबर डिस्प्यूट रिक्वेस्ट फॉर आर्बिट्रेशन और ग्रीवेंसेस प्रोसीजर करेंटली पेंडिंग इट्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट नीड्स टू बी सीन, देन अ लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हेल्थ बेनिफिट्स एंड वेलफेयर इंश्योरेंस पॉलिसीज और सेल्फ फंडेड अरेंजमेंट्स एन एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम एंड शेड्यूल्स ऑफ ग्रांट्स ऑफ सच स्कीम. तो भाई ये कुछ एरियाज हैं जिसको आपको कंसिडर करना है, ठीक है, वाइल कैरिंग आउट ह्यूमन रिसोर्सेज ड्यू डिलीजेंस. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज ड्यू डिलीजेंस का? इंश्योर करना कि कल को अगर हमारा कंपनी सामने वाले कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन में एंटर कर लिया तो कल्चरल कंपैटिबिलिटी बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल कंपैटिबिलिटी बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी एस्टेब्लिश्ड, बिकॉज इफ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज बीइंग इग्नोर्ड और इज इग्नोर्ड है ना एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन टू द ट्रांजेक्शन, इट मे लीड टू द फेलियर ऑफ इट मे लीड टू द फेलियर ऑफ द ऑब्जेक्टिव विथ विच बोथ द कंपनीज हैव एंटर्ड इन टू द ट्रांजेक्शन. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर. नाउ नाउ नेक्स्ट है भाई लेबर लॉस ड्यू डिलीजेंस. बहुत बहुत सिंपल है लेबर लॉस ड्यू डिलीजेंस, ठीक है. अब एक्चुअली लेबर लॉस ड्यू डिलीजेंस ना तुम लोगों ने ना एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा है, मालूम है तुमको, तुम लोगों ने चैप्टर पढ़े थे कंप्लाइंसेस अंडर लेबर लॉस, मालूम है क्या? तुम लोगों ने ये चैप्टर पढ़े थे कंप्लाइंसेस अंडर लेबर लॉस. तो लेबर लॉ ड्यू डिलीजेंस में अपन क्या चेक करते हैं? लेबर लॉ ड्यू डिलीजेंस में अपन चेक करते हैं कि जो टारगेट एंटिटी है, ठीक है, टारगेट एंटिटी का बिहेवियर, टारगेट एंटिटी का बिहेवियर टुवर्ड्स देयर लेबर्स और टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज, ठीक है. यहाँ पे अपन चेक करते हैं दैट वेदर टारगेट एंटिटी carries out their business, whether the target entity carries out their business in accordance with all the applicable in accordance with all the applicable लेबर लॉज लेजिस्लेशन और नॉट, ठीक है. अगर वो टारगेट एंटिटी के ऊपर, वो टारगेट एंटिटीज के ऊपर जो भी लेबर लॉ लेजिस्लेशन, ठीक है,
एप्लीकेबल है, जो भी लेबर लॉज एप्लीकेबल है, वो टारगेट एंटिटी क्या कर रहा है, उन सभी लेबर लॉज के प्रोविजंस का ड्यू कंप्लाइंसेस कर रहा है। ये अपन चेक करते हैं अंडर लेबर लॉ ड्यू डिलीजेंस। देखो लिखा है, द पर्पज ऑफ लेबर लॉ ड्यू डिलीजेंस इज टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू द कंप्लाइंसेज फ्रॉम अ लेबर लॉ परस्पेक्टिव इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द गैप्स बिटवीन एन अथॉरिटी यू ऑडिट एनी नॉन कंप्लाइंसेज रिलेटिंग टू इन अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ लेबर लॉ रेगुलेशन एंड टू अलाउ कंपनी टू करेक्ट एरर्स एंड डिफिशेंसीज। द लेबर लॉ ड्यू डिलीजेंस इज टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड मिनिमाइज लेबर लॉ एंड पेरोल डिफिशेंसी बिफोर एनी रेगुलेटरी एक्शन, बिफोर एनी रेगुलेटरी एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द कंपनी। हाउएवर द लेबर लॉ ड्यू डिलीजेंस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, टेक ओवर, IPOs, जॉइंट वेंचर, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। द स्कोप ऑफ लेबर लॉ ड्यू डिलीजेंस इज एक्सटेंडेड टू ऑल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल ऑन द कंपनी। तो बेसिकली अपन यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी के ऊपर लेबर लॉ से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं जो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हैं, क्या कंपनी उन सभी लॉज को, उन सभी रूल्स को कंप्लाई कर रही है या कंप्लाई करती है वाइल कैरिंग आउट देयर बिजनेस ऑपरेशन। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? चलिए आगे है भाई, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ड्यू डिलीजेंस। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे अपन फोकस क्या करें, यहाँ पे अपन फोकस करें कि कंपनी ने क्या अरेंजमेंट्स कर रखे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी ने क्या क्या अरेंजमेंट्स कर रखे हैं टू सिक्योर दी वाइटल इंफॉर्मेशन, टू सिक्योर दी वाइटल इंफॉर्मेशन। ओके चलिए देखेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ड्यू डिलीजेंस हम लोग देख रहे हैं। क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे एनालाइज करना है दी मेजर्स टेकन बाय द टारगेट कंपनी। ठीक है, मेजर्स टेकन बाय द टारगेट कंपनी टू सिक्योर द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट कंपनी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द टारगेट कंपनी। यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि भाई कितना ईजिली टारगेट कंपनी के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाते हैं, कितना ईजिली उनके कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उनके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए टारगेट कंपनी ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, टारगेट कंपनी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वेदर दे आर प्रूडेंट इनफ, वेदर दे आर रीजनेबल इनफ टू स्टॉप द लॉसेस ऑफ सच इंफॉर्मेशन, टू स्टॉप द लॉसेस ऑफ डेटा रिलेटिंग टू द टारगेट कंपनी। देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ड्यू डिलीजेंस इज ऑफन अंडरटेकन ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस टू इंश्योर दैट द रिस्क आर अनकवर्ड। हाउएवर द रेगुलर रिव्यू इंटरनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम हेल्प्स टू आइडेंटिफाइंग द सिक्योरिटी गैप्स एज वेल एज टू इंश्योर दैट द कंपनी इज एक्टिंग विद इन एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर एलिवेट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ड्यू डिलीजेंस कवर्स द फॉलोइंग, पहला इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स, दूसरा डेटा प्रोटेक्शन और शेयरिंग पॉलिसी, तीसरा नेटवर्क एंड सिस्टम डिजाइन, चौथा वायरलेस एंड रिमोट एक्सेस फैसिलिटी एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड डेटा रिकवरी। अगर डेटा लॉस भी हुआ तो उसको रिकवर करने का कोई पॉसिबल बैकअप पॉलिसी या बैकअप प्लान टारगेट कंपनी के पास अवेलेबल है भी या नहीं है। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन या डेटा शेयरिंग से रिलेटेड टारगेट कंपनी ने क्या स्ट्रेटजीज बनाए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए टारगेट कंपनी ने क्या क्या मेजर्स लिए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का एनालिसिस अपन करेंगे किसके अंडर, किसके अंडर, अंडर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ड्यू डिलीजेंस। नाउ नेक्स्ट है लीगल ड्यू डिलीजेंस। अब ये तो बहुत सिंपल है, देखो लीगल ड्यू डिलीजेंस भी एक बहुत वाइड टर्म है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। देखिए क्या बोला, लीगल ड्यू डिलीजेंस, तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे, यहाँ पे अपन चेक करेंगे कंपनी के ऊपर जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं
क्या कंपनी उन सभी लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ड्यूली कंप्लाई कर रही है फॉर कैरिंग आउट देयर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पे ना अपन ये भी देखते हैं, लॉ का कंप्लाइंस तो देख ही रहे, प्लस अपन यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लाइंसेस भी देखते हैं। लेट्स से इफ इन केस इफ कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी हैज़ अंडरटेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू एनी अरेंजमेंट और एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट, तो वेदर कंपनी हैव फुलफिल्ड देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर सच एग्रीमेंट अंडर सच अरेंजमेंट्स और नॉट। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लाइंसेस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आर ऑल्सो बींग चेक्ड। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड कंप्लाइंसेज भी कंपनी क्या कर रही है, चेक कर रही है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन चेक कर रही है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन चेक कर रहे हैं, प्लस कंपनी ने अगर किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट मेंटर किया हुआ है, अगर कंपनी ने किसी भी प्रकार के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेंटर किया है, तो वेदर दे हैव ड्यूली फुलफिल देयर पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन अराइजिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, तो दिस विल ऑल्सो बी इंश्योर्ड, दिस विल ऑल्सो बी चेक अंडर लीगल ड्यू डिलीजेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका ड्यू डिलीजेंस ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ, एथिकल ड्यू डिलीजेंस। अब एथिकल ड्यू डिलीजेंस के ऊपर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अपन चेक करेंगे दैट वेदर टारगेट एंटिटी इज फॉलोइंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस टू कैरी आउट देयर बिजनेस ऑपरेशंस और नॉट। अब उसके बाद देखो जो सब्जेक्ट मैटर्स है ना तुमको, कॉम्पिटिशन लॉ ड्यू डिलीजेंस, देन ड्यू डिलीजेंस फॉर मर्जर अमालगमेशन, देन है ड्यू डिलीजेंस फॉर टेक ओवर। ठीक है, एंड देखो तीन चीज़ें मैं तुमको बताता हूँ यहाँ पे। उसके बाद है ड्यू डिलीजेंस फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट फॉर बैंक, ये तो डिलीजेंस रिपोर्टिंग के ऊपर गाइडलाइंस नहीं पढ़ना है। फेमा ड्यू डिलीजेंस, FCRA ड्यू डिलीजेंस, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो देखना है यहाँ पे, मेरी बात सुनना, क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले मर्जर एंड अमालगमेशन ड्यू डिलीजेंस। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो भी बच्चा मेरे से ड्यू डिलीजेंस पढ़ रहा है ना, वही बच्चा मेरे से CR का पेपर भी पढ़ रहा है। ठीक है, टेक ओवर ड्यू डिलीजेंस, देन फेमा ड्यू डिलीजेंस, देन FCRA ड्यू डिलीजेंस, देन कॉम्पिटिशन लॉ ड्यू डिलीजेंस। मैं आपको CR में पहले वो सब्जेक्ट मैटर तो समझा दूं, मर्जर अमालगमेशन। ठीक है, मैंने बोला ना ड्यू डिलीजेंस करने के लिए अपन को सब्जेक्ट मैटर के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो पहले मैं आपको ये सब्जेक्ट मैटर पढ़ाऊंगा इन डिटेल अंडर CR, उसके बाद मैं आपको टेक ओवर पढ़ाऊंगा CR। तो CR में जब टेक ओवर पढ़ा दिया, MNA पढ़ा दिया, उसके बाद हम लोग इसके ड्यू डिलीजेंस भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सेम फेमा, सेम FCRA, सेम कॉम्पिटिशन लॉ। तो देखो इन सबसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हम लोग इन डिटेल डिस्कस करते हैं CR वाले पेपर के अंदर। और जब तुमको मर्जर अमालगमेशन से रिलेटेड सारे इनपुट्स आ गए तुम्हारे दिमाग में, टेक ओवर से रिलेटेड सारे इनपुट्स पता चल गए, फेमा से रिलेटेड, FCRA से रिलेटेड, कॉम्पिटिशन लॉ से रिलेटेड, उसके बाद आप इन से रिलेटेड ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस भी पढ़ पाओगे। फेमा ड्यू डिलीजेंस एज द नेम सजेस्ट, तो देखेंगे भाई कंप्लाइंसेस, अगर कंपनी कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन मेंटर कर रहा है, तो वेदर सच ट्रांजेक्शन इज बिंग अंडरटेकन बाई कंपनी इन कंप्लाइंसेज विथ द रेगुलेशन ऑफ फेमा, दैट्स इट। कॉम्पिटिशन लॉ ड्यू डिलीजेंस में अपन चेक करते हैं कि कंपनी कॉम्पिटिशन लॉ के प्रोविजन का कंप्लाइंस कर रही है या नहीं कर रही है, क्या कंपनी कोई एंटी कॉम्पिटेटिव एग्रीमेंट्स या एंटी कॉम्पिटेटिव बिजनेस प्रैक्टिस में तो इन्वॉल्व नहीं है। सेम FCRA, अगर कंपनी को कोई भी फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है फ्रॉम एनी फॉरन सोर्सेज, तो वेदर सच फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन इज बिंग रिसीव्ड बाई द कंपनी एज पर, वेदर सच फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन इज बिंग रिसीव बाई द कंपनी एज पर द प्रोविजन्स ऑफ FCRA। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? टेक ओवर ड्यू डिलीजेंस एंड मर्जर अमालगमेशन ड्यू डिलीजेंस
डिटेल में वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 करके आता है एक चैप्टर, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी वाला, इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर है। बात समझ में आ रही है? तो फॉर द टाइम बीइंग ये जो चैप्टर है आपका हो जाता है ख़त्म। इसमें अभी तक जो सर ने पढ़ाया उतना पढ़ोगे, इज इट क्लियर? तो बाकी नहीं पढ़ना है, मैंने बोला ना पढ़ना है, लेकिन पहले मैं उन सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में तुमको बताऊंगा, उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। मॉड्यूल नंबर 2 में जो पेपर्स है ना वो इंटर रिलेटेड है, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए तो ये सेशन अपना यहीं तक, और ये चैप्टर चैप्टर नंबर 19 अपना हो जाता है ख़त्म। पर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद इन अनदर चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।